हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको DAV क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने साइंस के सारे चैप्टर पे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप उन वीडियोज़ को भी जरूर जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स का यूज़ पड़ता है, हम लोग उसका काम पड़ता है। उसके साथ साथ ट्यूबलाइट्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग नाइट में अपने घरों को रोशन कर सके, लाइट कर सके, लाइट अप कर सके। हमारी डेली लाइफ में हम लोग म्यूज़िक को भी सुनते हैं, अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को टेलीविजन में भी देखते हैं। ओके, समर की तरह हम अपने आप को कूल रखते हैं, ठीक है। हम अपने होम को कूल रखते कैसे रखते हैं? फैंस का यूज़ करते हैं, कूलर्स का यूज़ करते हैं। तो इन सभी अप्लियंसेस कैसे चलते हैं? तो ये सब जितने भी अप्लियंसेस, ये कैसे काम करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी ही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एनर्जी का फॉर्म है। हम लोग अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते, उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो ये एयर एंड वाटर की तरह, हवा और पानी की तरह हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ क्रिएचर्स, सी क्रिएचर्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल ईल, ये सब जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल एक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक्ड है। बहुत सारे तरहों में ये लिंक है, एक तरह में लिंक है, बहुत सारे तरहों में ये लिंक है। ओके, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज जो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होगा कि वो शॉर्ट पीरियड में फिर से वापस भी आ सकते हैं, और वो नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, मतलब कि वो वापस आने में उनको एक मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाए, बहुत साल उन्हें लग जाते हैं आने में, ठीक है, रिन्यू करने में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सील। एक दिन डिनर के बाद रोहित और रीना जो है अपने फादर के साथ चेस का गेम खेल रही थी, चेस खेल रही थी। और क्या अचानक क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वेंट ऑफ हो जाता है, मतलब कि कट जाता है, बिजली कट जाती है। उसके फादर जो है इलेक्ट्रिक टॉर्च निकालते हैं ड्रावर से और उसे स्विच ऑन करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब आप लोग टॉर्च को ऑन कीजिएगा तो रूम में कुछ लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो रूम में लाइट आ गई, कुछ लाइट वहाँ पर दिखने लगी। अब चिल्ड्रन जो थे, रोहित और रीना, ये एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क करता है। तो जब वापस से बिजली आ जाती है तो रोहित और रीना के फादर उसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च का तुम लोग पार्ट ले आओ। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रिक टॉर्च का। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है सेल्स का, मेटल स्प्रिंग है, लैम्प कॉन्टैक्ट है, प्लास्टिक केसिंग है, उसके साथ साथ मेटल का स्विच दिया हुआ है, सील रिंग है, रिफ्लेक्टर है और लैम्प फिलामेंट है। आगे समझ में, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 3 मेन पार्ट्स है इसमें। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन है, बैटरी है। ओके, और फिर एक स्विच है। आगे देखते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्च के स्विच को प्रेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो करना शुरू हो जाती है। ये जो फ्लो है थिन मेटलिक स्ट्रिप से, जो कि कनेक्टिंग वायर के रूप में काम करती है, ये जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, ये फिलामेंट को हीट अप करते हैं, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट को हीट अप करते हैं। जो बल्ब है उसके बाद क्या होता है कि बल्ब लाइट अप करता है, बल्ब जलने लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉर्च ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करता है। हम लोग अपने घरों में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें कि सेल्स का यूज़ होता है, जैसे कि पोर्टेबल रेडियोज हो गए, म्यूज़िक सिस्टम्स हो गए, हमारे मोबाइल फोन्स। ओके, उसके साथ साथ चिल्ड्रन के जो टॉयज होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें भी बहुत सारे टॉयज जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब सेल्स से चलते हैं, बैटरी से चलते हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी आता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस हमारे आसपास में होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो है, ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है मेटल्स और केमिकल्स से, जो कि उसमें अरेंज होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। एक बार केमिकल्स यूज होने के बाद क्या होता है कि जो सेल है ये काम करना बंद कर देते हैं। जो मोस्ट कॉमन सेल्स है जो कि हम लोग अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस में यूज़ करते हैं और भी बहुत से डिवाइसेज में यूज़ करते हैं, वो है ड्राई सेल्स। देखिए एक ड्राई सेल दिखाया गया है, मेटल कैप होता है, पॉजिटिव अमोनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, कार्बन रॉड होता है, उसके बाद जिंक केस नेगेटिव होता है। यह ड्राई सेल का डायग्राम।
इस सेल के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, पहला पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है, जो मेटल केस है ये नेगेटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो है ये हम ये यूज़ किए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट करना है गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए, मतलब किस प्रकार से वो कनेक्शन करना है उसका। अब आगे देखते हैं, लेट अस ट्राई टू पुट इलेक्ट्रिक सेल्स इन अ टॉर्च। अब इलेक्ट्रिक सेल्स को टॉर्च में डालने का प्रयास कीजिए। तो अब आप लोग कैसे जानिएगा कि सेल को हम लोगों ने अच्छे से इंसर्ट किया है कि नहीं, तो टॉर्च में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, एक इलेक्ट्रिक सेल का, वो दूसरे इलेक्ट्रिक अगले इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। यदि इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट टॉर्च में पुट नहीं किया गया किया जाएगा तो टॉर्च ये काम नहीं करेगा। ओके, आप लोग इलेक्ट्रिक सेल्स को टीवी रिमोट में भी चेंज करते होंगे। ओके, बाकी देखते हैं एक्टिविटी 3। लेट अस मेक एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग अ साइट्रस फ्रूट। अब हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक सेल बनाना है साइट्रस फ्रूट का यूज़ करके, जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है। दो मेटल थिन प्लेट्स लेना है हम लोगों को, ठीक है, मेटल प्लेट्स लेना है, टू मेटल प्लेट्स स्ट्रिप्स जो कि 5-6 सेंटीमीटर के लॉन्ग हो, एक कॉपर का और एक जिंक का लेना है, एक कॉपर का होना चाहिए और एक जिंक का होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पर एक टॉर्च बल्ब भी चाहिए, एक LED, ठीक है, एक टॉर्च बल्ब या फिर LED, उसके साथ साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए। अब हम लोगों को अपने पाम के अंदर फ्रूट को रोल करना है, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो सके, उसके स्किन को ब्रेक किए बिना, मतलब हम लोगों को उसके स्किन को ब्रेक नहीं करना है। ओके, अच्छा, सॉफ्टन करना है, बस हम लोगों को सॉफ्ट करना है। अब दो डिफरेंट मेटेलिक स्ट्रिप्स जो है उसमें आप लोगों को डाल देने हैं, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट लेमन में डाल देने हैं। उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को उसे टच नहीं करना है, मतलब फ्रूट का जो बॉटम स्किन है, या फिर हम लोगों को फ्रूट को भी टच नहीं करना, फ्रूट के स्किन को भी टच नहीं करना और बॉटम को भी टच नहीं करना है। अब दो हम लोगों को क्लीन अप कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं, दो पेयर्स लेने हैं उसके, और एक एक करके हम लोगों को मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट में एक और एक मेटल प्लेट से एक हम लोगों को जिस प्रकार से फिगर में दिखाया था उस प्रकार से हम लोगों को उसे LED बल्ब से फिर कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या LED बल्ब ग्लो करता है कि नहीं, LED बल्ब जलता है या नहीं, किस प्रकार सेटअप किया गया है, ये सेटअप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग सेटअप को पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक फ्रूट से हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोगों ने एक लेमन को लिया, नींबू लिया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर एक जिंक का प्लेट लिया गया है, एक कॉपर का प्लेट लिया गया है जिसमें मेटल स्ट्रिप बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद इसे कनेक्ट करके बल्ब के साथ जलाया गया है, बल्ब रेड कलर का लिया गया है तो ये ग्लो कर रहा है। आप किसी भी कलर के बल्ब ले सकते हैं। अब इस एक्टिविटी को आप लोग दूसरे वेजिटेबल्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, बॉटल ग्राउंड हो गया, टोमेटो, ऑरेंज, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है कि किसमें ये काम करता है किसमें ये काम नहीं करता है। एक कॉम्बिनेशन जो होता है इलेक्ट्रिक सेल्स का, इसे बैटरी कहा जाता है। एक कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक सेल्स का हम लोग जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक टॉर्च में यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक बैटरी को फॉर्म करते हैं। दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को आप लोग सोचिए जिसमें आप लोग बैटरी को जिसमें हम लोग बैटरी को यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं दुयूनो, जो इनर ईयर होता है मैमल्स का, ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए, वो एक नेचुरल बैटरी को कंटेन करता है। ईयरिंग में जो नेचुरल बैटरी है ये ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस को, जो कि साउंड सिग्नल्स काउज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये ब्रेन में ट्रेवल करते हैं, जो कि उन्हें साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है। आज के डेट में क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल्स बैटरीज जो है ये डिफरेंट शेप और साइज के अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में। जो इलेक्ट्रिक सेल्स से जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे रिस्ट वॉचेज में, वो एक बटन के रूप में दिखते हैं, शर्ट के बटन से आप उससे तुलना कर सकते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है हमारी रिस्ट वॉचेज में। हम लोग जो घड़ियाँ पहनते हैं ना अपने हाथ में, वहाँ पर देखिएगा, जब अभी खोले होंगे उसे तो आप लोग देखिएगा कि सिल्वर टाइप का कलर होता है उसका, और वहाँ पर बटन शेप का या बटन के साइज का बैटरी सेल्स होता है, जिसे बटन सेल्स कहा जाता है। डू यू नो जो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टॉर्चेज में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च में यूज़ किया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं एक बार जब उनका केमिकल्स जो है यूज़ अप कर लिया जाता है। उनके पास उन्हें जो है हमें न्यू वंस के द्वारा रिप्लेस करना पड़ता है। इन्हें
प्राइमरी सेल्स कहा जाता है कार्स, स्कूटर, इन्वर्टर्स जो है ये वैसे बैटरीज को यूज़ करते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जिसे फिर से रिचार्ज किया जा सकता है और उन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन कैसे होगा ये, एक पीरियोडिक रिचार्ज कर एक रेगुलर रिचार्ज में वो उसका उसमें करवाना करवाते रहना चाहिए। तो उन्हें सेकेंडरी सेल्स कहा जाता है और एक्यूमुलेटर्स कहा जाता है, जो बैटरीज मोबाइल फ़ोन जैसे में प्रेजेंट होते हैं, आईपैड में प्रेजेंट होते हैं, टैबलेट्स और लैपटॉप में प्रेजेंट होते हैं, ये भी रिचार्जेबल होते हैं। हम लोग देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों का मोबाइल का चार्ज लो होता है तो आप लोग उसे चार्ज लगाते हैं, फिर वो रिचार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर आप लोग उसे यूज़ करते हैं, है ना, समझ में आया स्टूडेंट्स। हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, एक टॉर्च बल्ब जो उसके पास आउटर कवरिंग होता है ग्लास का, जो कि एक मेटेलिक बेस के साथ फिक्स होता है, एक मेटेलिक बेस पे फिक्स होता है, वहाँ पर एक थिन कॉयल मेटल वायर होता है ग्लास कवर के अंदर में, ये वो वायर होता है जो कि हीटअप होता है और हमें हम लोगों को लाइट देता है। इस थिन वायर को कहा जाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इस थिन वायर को बल्ब का फिलामेंट कहा जाता है। ये फिलामेंट जो ये दो थिक वायर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इनमें से एक जो है ये बल्ब के बेस से कनेक्टेड होता है, ओके, एक मेटल टिप में कनेक्टेड होता है बल्ब के बेस से, और दूसरा थिक वायर है ये मेटल टिप में कनेक्टेड होता है मेटल कवर के लॉन्ग साइड के बल्ब के बेस में। जो दो टर्मिनल्स होते हैं ये इस वे में कनेक्टेड होते हैं कि वो एक दूसरे को छूते नहीं वो एक दूसरे को, ओके। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ओके, देखिए फिलामेंट है इसके अंदर, देखिए फिलामेंट और ये टर्मिनल्स हो गए, ये टॉर्च बल्ब देखिए इस प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं जो कि हमारे घर को रोशन करने में यूज़ किए जाते हैं, उनके पास भी इसी प्रकार का डिज़ाइन होता है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस होता है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है कि जो दो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये बल्ब के बेस के अराउंड में होते हैं दोनों। डू यू नो जो इनसाइड होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये एक इनर्ट गैस के साथ फिल्ड होता है, जैसे कि एर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये फिलामेंट को जलने से रोकता है, मतलब कि फिलामेंट को जलने से रोकता है ऑक्सीजन में, जबकि जब नॉर्मल एयर का प्रेजेंट होता है क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन होता है तो जल जाएगा, इसलिए उस वहाँ पर एक फिलामेंट को सेव करने के लिए ऐसा किया जाता है, ओके। ये जो फिलामेंट होता है ये इनर्ट गैस के द्वारा फिल्डअप होता है, जो कि बल्ब को कोलैप्स करने से रोकता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर। LED आज के डेट पे क्या है कि LED बेस्ड लैंप्स को इंक्रीजिंगली बढ़ते डिमांड पे उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लाइट सोर्सेज के रूप पे। LED जो है लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में स्टैंड होता है, इसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, उन्हें बल्ब के ऊपर प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि LED लैम्प के पास क्या है कि एक लॉन्ग लाइफ होता है और बहुत ही लिटिल पावर ही कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ये नहीं उठाते हैं, ओके। जो एकमात्र प्रॉब्लम इनके साथ ये होता है कि इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और हालांकि उनका लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इनके ख़राब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि इनका जो कॉस्ट होता है ये ज़्यादा होता है, तो फ़ायदा भी तो है, ये एक एडवांटेज भी है इनका, ओके। CFS वी कैन ऑल्सो यूज़ CFS और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स फॉर लाइटिंग और पर्पसेज, देखिए हम लोग CFS का यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स लाइटिंग और पर्पसेज के लिए, वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में लाइट देते हैं और लेस पावर को भी ये कंज्यूम करते हैं, मतलब ज़्यादा पावर ये कंज्यूम नहीं करते हैं, इनके पास लाइट भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि हालांकि इनके पास इनका जो जब भी वर्न आउट हो जाते हैं, मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनका इनको डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में लिया जा सकता है। उनका जो इनिशियल कॉस्ट है प्रेजेंट में ये हायर साइड में है, वो इको फ्रेंडली नहीं है नेचर में, तो इन्हें तुरंत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, LED बेस्ड लैम्प इसे रिप्लेस किया जा रहा है, ओके। अब LED लैम्प से ज़्यादा घरों में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर से डिवाइस से एप्लीएंस से फ्लो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है, ओके। जो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी है जो कि करंट को एक डिवाइस से फ्लो करवाते हैं, उन्हें एक पंप से कंपेयर किया जा सकता है, जो कि वैसा पंप जो कि पाइप्स के थ्रू वाटर को पंप करता है, ओके। पाइप के थ्रू वाटर पंप होता है, उसी से हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं। जब हम लोग एक डिवाइस को सेल के साथ कनेक्ट करते हैं
जो डायरेक्शन होता है करंट के फ्लो का, इसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के रूप पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल में लिया जा सकता है। ओके, और कैसे तो हम लोग कैसे उसे कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से उसे कनेक्ट करते हैं। ओके, जो कि सेल से कनेक्टेड होते हैं। अब हम लोग ये समझ गए कि क्यों किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, अप्लायंस में दो टर्मिनल्स होते हैं, जो करंट होता है ये एक टर्मिनल से एंटर करता है और दूसरे टर्मिनल से वो लीव करता है। एक्टिविटी नंबर 4, देखिए दो टीम्स बना लेने हैं हम लोगों को, दो स्टूडेंट्स की, पहला का नाम दे देना है बैटरी, उसके बाद दूसरा का नाम हम लोगों को लाइट बल्ब टीम दे देना है। ओके, बैटरी टीम एंड लाइट बल्ब टीम। बैटरी टीम को हम लोगों को फुल मतलब एक बास्केट प्रोवाइड करवाना है, जो कि लाइट रबर प्लास्टिक बॉल्स से फुल हो, प्लास्टिक बॉल्स हो उसमें, लाइट रबर प्लास्टिक बॉल्स हो, और दोनों टीम्स को कुछ कुछ दूरी में, 3 मीटर की दूरी में हम लोगों को खड़ा कर देना है। गेम को स्टार्ट करना है, बैटरी टीम को मेंबर को बोलना है कि वो बॉल को फेंके, एक के बाद वो फेंकता जाए, एक के बाद एक फेंकता जाए लाइट बल्ब के मेंबर के पास। ओके, लाइट बल्ब के मेंबर जो है उसे कैच करेंगे और तुरंत ही अपने टीम के किसी दूसरे मेंबर को उसे प्रोवाइड करवाएंगे, उसके पास पास करेंगे। ओके, अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फिर से वो बैटरी टीम के पास, जैसे मान लीजिए गेम कैसे होगा, बैटरी टीम है यहाँ पे, यहाँ पर है लाइट बल्ब टीम, ठीक है, ये बैटरी टीम उसे दिया, यहाँ पर आगे वापस ये बॉल, उसके बाद ये वापस इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब अदर टीम के पास, मतलब उसी टीम के अदर खिलाड़ी के पास चला जाएगा। फिर ये अदर खिलाड़ी क्या करेगा, ये फिर से बैटरी टीम के पास भेज देगा, फेंकेगा उसके पास, ठीक है। यहाँ पर पढ़िए, ही सी कैचेस दिस बॉल, पासिस इट ऑन क्विकली टू अदर मेंबर ऑफ हिज टीम, हु देन इट गिव्स बैक टू द अदर मेंबर ऑफ द बैटरी टीम, जो कि बैटरी टीम के दूसरे मेंबर को फिर से पास कर देगा। ये जो मेंबर है ये क्विकली बॉल को रिटर्न करेंगे बास्केट में, फिर से बास्केट में जाएगा बॉल। जब एक मेंबर भी अपना रोल कर रहा होगा प्रॉपर मैनर में, तो जो गेम है वो कंटिन्यू होता रहेगा, बॉल्स का कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा, ठीक है, और दो टीम्स के बीच का जो स्पेस है उसे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब स्टूडेंट जो है इस गेम को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से कंप्लीट सर्किट में, उन्हें एक्सप्लेन करना है कि जो एनर्जी बॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट मेंबर के द्वारा, बैटरी टीम के फर्स्ट मेंबर के द्वारा, ये एक फीलिंग देते हैं हैंड्स में, मतलब इंपैक्ट ऑन द हैंड्स टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब टीम। डिस्कस हाउ दिस कैन बी कंपेयर टू द एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू द लाइट बल्ब विच गेट हीटेड एंड लाइट्स अप ऑन द रिसीप्ट ऑफ दिस एनर्जी, टेल देम That just a fault due to any one member causes a break in the game। देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स की किस प्रकार से एनर्जी को कंपेयर किया जा सकता है लाइट बल्ब के बैटरी से, मतलब किस प्रकार से लाइट बैटरी जो है लाइट बल्ब को एनर्जी प्रदान करता है, जो कि हीट अप करता है और लाइट अप करता है, हीट होता है और लाइट अप करता है बल्ब को, ठीक है। और ये भी हम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि किसी भी एक मेंबर में फॉल्ट आ जाए, बॉल नहीं फेंका जाए, तो गेम जो है ये टूट जाएगा, वहाँ पर गेम ब्रेक हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि कहीं गैप होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्विच जो है, कितना इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ये कंटिन्यूस फ्लो तभी होता है जब वो एक कंप्लीट और कंडक्टर्स के क्लोज पाथ में हो, उसी तभी होगा जब एक कंप्लीट पाथ से वो फ्लो करेगा, ठीक है, कंप्लीट और क्लोज पाथ से वो फ्लो करेगा। उसी प्रकार के कंप्लीट पाथ को जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोगों को 3 पार्ट्स और मिनिमम 3 एलिमेंट्स चाहिए एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या क्या वो देखते हैं। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए, सो हम लोग चलिए बैटरी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ के लिए, मतलब फ्लो के लिए एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, किससे हम लोग ले सकते हैं इसमें, हम लोग इसमें ले सकते हैं कनेक्टिंग वायर्स को। एक स्विच चाहिए और एक डिवाइस चाहिए जो कि स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, ठीक है, जब भी रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग उसे ऑन कर सके, जब भी रिक्वायर्ड हम लोग उसे ऑफ कर सके। इसके साथ साथ हम लोगों को एक लोड की भी जरूरत होगी जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है इसे फ्लो करवाया जा सके। तो इस फॉलोइंग अरेंजमेंट्स में आप लोग देखिए, यहाँ पर ए है, ओके, फिर बी, बैटरी लिया गया, सी बैटरी है, फिर यहाँ ओपन है, उसके देखिए इसे किस प्रकार से अरेंज किया गया, डिफरेंट अरेंजमेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट से।
ओके, इनमें से किस अरेंजमेंट्स के पास आप सोच रहे हैं कि बल्ब ग्लो करेगा, ये आप लोगों को खुद सोचना है। ओके, डू यू नो ए कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इज रेफर्ड टू अ क्लोज सर्किट। एक कंप्लीट पाथ जिसे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है उसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। जब वहाँ पर पाथ में कोई डिसकंटिन्यूटी होता है या फिर टूटा हुआ होता है, जहाँ पर स्विच ही या फिर हो सकता है ऑफ होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है ये बंद हो जाता है। तो हम लोग इसे ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट के रूप में रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये हम लोगों को करंट के फ्लो को स्टार्ट करने में, स्टॉप करने में हेल्प करता है जब भी रिक्वायर्ड होता है। जो स्विच होते हैं इनके पास दो पोजीशन होते हैं, जो ऑन पोजीशन होता है जो कि कंप्लीट करता है और सर्किट को कंप्लीट और क्लोज करता है सर्किट को, करंट को फ्लो करने के लिए उसे मेक करता है। और जो ऑफ पोजीशन है जो कि ब्रेक करता है और ओपन करता है सर्किट को। इसके साथ साथ क्या होता है कि फ्लो का जो करंट का जो फ्लो है ये भी रुक जाता है। समझ में आ रहा है ना, जब ऑन करेंगे तो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, जब हम लोग ऑफ कर देंगे तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ओके, जब हम लोग ऑन करते हैं तो ये क्लोज करता है सर्किट को, जब हम लोग ऑफ करते हैं तो ये ओपन करता है सर्किट को। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक स्विच जो है डिफरेंट साइज़ और शेप में आते हैं। जो मेटेलिक स्लाइडर होता है इलेक्ट्रिक स्विच का, ये इलेक्ट्रिक स्विच का ही एक टाइप है। आप लोग टॉर्च में देखते हैं कि वहाँ पर एक स्लाइडर होता है, जब आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो वो आगे बढ़ता है, फिर पीछे रहते पीछे रहता है, तो जब आगे बढ़ाते ऑन होता है फिर पीछे रहते वो ऑफ हो जाता है। डू यू नो जो बटन टाइप पीसेस होते हैं कैलकुलेटर्स में, रिमोट्स में, कंप्यूटर कीबोर्ड में, ये सब भी स्विच के एक डिफरेंट टाइप है। हम लोग डिफरेंट शेप और साइजेस, डिफरेंट शेप और साइज के स्विचेस को देख सकते हैं अपने घर में, हमारे स्कूल्स में, ऑफिस में। कहीं कहीं क्या होता है पतले टाइप के स्विचेस होते हैं, कहीं कहीं हल्के बड़े टाइप के स्विचेस, बहुत सारे टाइप के स्विचेस जो है ये आते हैं। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच। इसके लिए आप लोगों को एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर पीस चाहिए, वुड और कार्डबोर्ड का एक थिन मेटेलिक कैन चाहिए, और हम लोगों को दो ड्राइंग पिंस चाहिए। केयरफुली आप लोगों को मेटेलिक कैन के पीस को कट कर लेना है नाइफ या सीजर्स का यूज़ करके। उसके बाद डायग्राम में जिस प्रकार का शेप दिखाया गया है उस प्रकार का शेप हम लोगों को बनाना है, यहाँ पर होल करना और ये मेटेलिक स्ट्रिप है। ओके, दो ड्राइंग पिंस को हम लोगों को फिक्स करना है कार्डबोर्ड पीस वुड पे। ओके, दोनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, एक लिटिल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। मेटल स्ट्रिप को हम लोगों को उसमें पुट करना है, रख देना है, इस प्रकार से रखना है कि जो पहला इंड है वो रोटेट करने के लिए फ्री हो, और जो दूसरा इंड है, मतलब कि एक इंड पे क्या है, यहाँ पर देखिए एक इंड पे ड्राइंग पिन से सेट किया गया, तो ये रोटेट करने के लिए फ्री हो, और दूसरा इंड जो है ये सेकेंड पिन के साथ कॉन्टैक्ट बना सके, इस प्रकार का हम लोग इसे सेट करना है। जब हम लोग इस अरेंजमेंट को कांटेक्ट में रखते हैं तो ये काम करेगा एक स्विच के रूप में ऑन पोजीशन पे। ओके, जब कांटेक्ट को तोड़ दिया जाएगा तो स्विच जो है ये ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब जब इससे ज्वाइन किया जाएगा तो ऑन पोजीशन पे रहेगा, जब इससे इसका पोजीशन मतलब इससे सटा के नहीं इसे दूर में रखा जाएगा तो ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इस इलेक्ट्रिक स्विच को आप लोगों को एक बल्ब के, टॉर्च बल्ब के साथ कनेक्ट करना है, सेल के साथ कनेक्ट करना है वायर्स का यूज़ करके, ठीक है, ताकि जब भी हम लोग बल्ब को ग्लो कर सके तो ये ग्लो हो, जब भी रिक्वायर्ड हो तो वो ग्लो हो सके। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, जिस प्रकार से यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप दिया गया है, होल किया गया यहाँ पे, फिर यहाँ इसे इसमें ड्राइंग पीस में सेट किया गया, कार्डबोर्ड पीस में छेदा किया गया था, छेद किया गया था, उसके बाद ये रोटेट करने के लिए फ्री है, इसमें आगे टच होगा तो ऑन पोजीशन, नहीं टच होगा तो ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डू यू नो, ऐसा भी हो सकता है कि जो बल्ब ऊपर वाले सर्किट में था, जो हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा, ये ग्लो नहीं करेगा, भले उसमें जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में सेट हो। इसका बहुत सारा रीजन होगा, कनेक्शन जो है ये लूज और अनक्लीन होंगे, और एक रीजन है इसके लिए कि जो सेल है ये वर्किंग नहीं कर सकता हो, मतलब सेल काम करने वाला नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि बल्ब भी फ्यूज़ हो। जब बल्ब फ्यूज़ होता है तो उसका जो फिलामेंट है ये ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, इसका मतलब साफ है कि सर्किट में कुछ तोड़ मरोड़ हो गई है। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ओके,
इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं डिफरेंट वेज में। ये कभी फिजिबल नहीं है, ये इजी भी नहीं है कि उन सभी डिवाइसेस के कंप्लीट डायग्राम को, एक्चुअल डायग्राम को ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, जो भी एक सर्किट मान लीजिए, तो उसमें बैटरी यूज़ हुआ, कनेक्टिंग वायर्स यूज़ हुए, बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिक स्विच हुआ, तो सभी का डायग्राम बनाना बहुत ईजी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक इस टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स दिए गए हैं डिवाइसेस और अप्लायंसेस के लिए, जो कि अक्सर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। ये जो सिंबल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी, मतलब किसी भी सर्किट के जानकारी, डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। ओके, एक कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल मैनर में सिंबल्स को, सिंबल्स जो ही अक्सर डिवाइस से असाइंड होते हैं, उसके शेप के बेसिस पे, वर्किंग के बेसिस पे, और कुछ दूसरे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो कि वो पोज करता है। तो यहाँ पर नीचे कुछ शेप दिए गए हैं, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास ये है सेल प्रैक्टिकल शेप। इसका ऐसा होता है, सिंबल यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, बीच में यहाँ पर दो लाइन्स है। बैटरी देखिए, ये बैटरी होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसका सिंबल देखिए इसी के टाइप का है, लेकिन ये जो लाइन है इसमें यहाँ पर छोटा है, इसका लाइन भी छोटा है, बीच में एक और दो लाइन यहाँ पर आए हैं, एक थिक लाइन और एक थिन लाइन है। कनेक्टिंग वायर्स का बहुत इजी है डायग्राम, सीधा आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, कनेक्टिंग वायर्स हो जाएंगे। बल्ब और लैंप के दो दो साइंस है, पहला कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें आपको कट का निशान लगाना है, दोनों साइड आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, या फिर आप एक और साइन कर सकते हैं कि आप लोगों को एक बल्ब बना, एक सर्कल बनाना है, उसमें आप लोग इस प्रकार से लाना, ऐसे ऐसे करके उसको घुमाते हुए आप उसे बाहर निकालना है बस। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच। देखिए इलेक्ट्रिक स्विच जो है, जब ऑन पोजीशन पे रहेगा तो ये इसमें टचेड रहेगा, जब ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा तो इसमें टच नहीं होगा, ये उठा हुआ रहेगा। ये इलेक्ट्रिक स्विच का प्रैक्टिकल शेप है। अब इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स का यूज़ करके, सॉरी इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करके जो आप लोगों ने पढ़ा, एक सर्किट डायग्राम बनाइए इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक सेल हो, इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप हो और एक इलेक्ट्रिकल स्विच हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 7। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि हम लोगों ने एक लास्ट एक्टिविटी में बनाया था, उसे 1 by 1 रिप्लेस करना है। जो मेटेलिक स्ट्रिप है, एक पेपर क्लिप से, सिल्क थ्रेड से, कॉटन थ्रेड से, मेटेलिक की से, और भी बहुत कुछ से। ओके, तो हम लोग हर एक केस में क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब एक हमारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग इस चीज़ को करके देखिएगा कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है, किस मटेरियल का आपने यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उन पे, उनसे पास करने के लिए अलाउ करते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, तो उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऊपर वाले एक्टिविटी में जो मटेरियल्स के साथ ऐसा होता है कि जिन मटेरियल्स ने मटेरियल्स ने बल्ब को ग्लो करवाया है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स कहा जाता है। बहुत सारे मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड हो गए, ये सब गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर जो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसे वायर्स में बनाने में इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ही महंगे होते हैं, और इसलिए इसका यूज़ जो है वायर्स को बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सभी मेटल्स जो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट, पेंसिल लीड, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, जो कि एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते हैं, उनसे उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। प्लास्टिक हो गया, वुड, बैकलाइट, ये सब गुड इंसुलेटर्स है, अच्छे इंसुलेटर्स है, ना कि अच्छे कंडक्टर्स को ध्यान में रखना है। ओके, तब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ कि किस लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास, वायर्स के पास एक प्लास्टिक कवरिंग होता है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी समझ गए कि क्यों टॉर्च के बॉडीज़ में एक प्लास्टिक कवरिंग होता है। जब भी गैप होता है, जिस प्रकार से पार्ट सी और एफ में दिखाया गया था, यहाँ पर देखिए पार्ट सी और एफ, ये वाला यहाँ पर देखिए गैप है इसके बीच में, यहाँ पर भी एक गैप है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल एयर है ये गुड इंसुलेटर है। ओके, तो एयर भी गुड इंसुलेटर है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। देखिए सेफ रहना अच्छा है। हम लोग आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन वेल सेट इलेक्ट्रिसिटी
इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। देखिए ये सही कहा गया है कि एलेक्सिसिटी जो है बहुत ही अच्छा सर्वेंट है लेकिन ये बहुत ही खराब मास्टर है। कैसे है ये एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है कि सभी सजेस्टेड और एडवाइस प्रिकॉशंस को जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो हम लोगों को सभी सजेस्टेड और एडवाइस प्रिकॉशंस का यूज़ करना चाहिए। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो भी एडवाइस हमारे पास हो उसे हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। कुछ जनरल प्रिकॉशंस दिए गए हैं जो कि हमेशा फॉलो करने चाहिए। पहला है कि नेवर टच इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और डिवाइसेस विद बोथ हैंड्स और बेयर हैंड्स। देखिए भींगे हाथों से कभी भी हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को नहीं छूना चाहिए, ठीक है, डिवाइसेस को नहीं छूना चाहिए। ऑर्डिनरी वाटर जो है ये रीजनेबली एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यदि इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के पर्सन से फ्लो करेगा तो क्या होगा, सीरियस इंजरीज हो सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति मर भी सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इससे लोग ये सीख मिलती है कि हम लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी अप्लियंसेस को अपने हाथों से डायरेक्टली भींगे हाथों से कभी भी डायरेक्टली नहीं छूना चाहिए। नेवर ट्राई टू फिल विथ और ओपन इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस और डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द मेंस। देखिए कभी भी आप लोग फिल करने की कोशिश ना कीजिए और एक इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस को खोलने की कोशिश ना कीजिए, किसी भी डिवाइस को खोलने की कोशिश ना कीजिए जब वे मेन से कनेक्टेड हो, जब मेन जगह से वो कनेक्टेड हो तो कभी भी हम लोग उस पर ऐसे प्रकार का ट्राई नहीं करना चाहिए। सभी हम लोगों को हमेशा वार्निंग साइंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे जगह पे जहाँ पर डेंजर लिखा होता है DANGER बड़े बड़े अल्फाबेट में, तो ऐसे जगह में हम लोगों को उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेंजर कुछ कारण होगा तभी लिखा जाता है। डी सभी हम लोगों को हमेशा मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपने इलेक्ट्रिशियन के से कंसल्ट कर लेना चाहिए। यदि आपके पास कुछ डाउट्स है, यदि आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ मेथड्स आपके मन में है जिसके प्रति आपके पास मन में डाउट है कि इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस किस प्रकार से यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रिकल अप्लियंस किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इस प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रखना है, इसे हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन से मिल करके क्लियर कर लेना है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करने से पहले। देखिए ये हमेशा ज़रूरी है, ये गुड आइडिया है कि हम लोगों को रबर प्लास्टिक ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए और कि रबर सैंडल्स का यूज़ करना चाहिए जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम लोग हैंडलिंग कर रहे हों या फिर रिपेयर कर रहे हों, ठीक है, डिवाइसेस को रिपेयर कर रहे हों, कनेक्शंस कर रहे हों, ताकि हम लोगों को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहें और जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बच रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि आगे पीछे दीवार होती है या फिर आगे पीछे गड्ढा होता है, बड़े बड़े पोल्स में लोग चढ़ करके वहाँ बिजली की तार को बना रहे होते हैं तो क्या होता है झटका लगता था नीचे गिर जाते हैं वहीं रह जाते हैं, तो हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोगों को रबर प्लास्टिक ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि झटके से लोगों के हाथ पैर भी टूट जाते हैं तो डेथ भी हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। देखिए हमारे एक्टिविटीज़ में भी आप लोगों को यही सब चीज़ें का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट यूज़ करने लगे भीगे हाथों से या फिर किसी प्रकार के किसी हाथों से, तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है सेफ रहना है और इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर सेफ रहना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर्स पूरा हो गया। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स मैंने सोशल साइंस के वीडियोज भी बनाए हुए हैं, यदि आपने वीडियोज को नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को अपना जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, प्रीवियस चैप्टर्स का भी लिंक है और SST के वीडियोस का भी लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।